जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। झूमता हुआ बादल हूँ मैं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ मोहन भैया, क्यों बुलाए हो? अरे तुमको रमेश भैया बाजार में आम बेचने के लिए बुलाए हैं, इसलिए तुमको बुलाए थे। आम का पोटली मेरा घर के बाहर में है, जाके बेच के आओ। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, आम 20 रुपए किलो से ज्यादा कम में मत बेचना, समझा ना? तेरा बाप का नौकर समझा जो आम बेचने बोला साले। अरे कौन मर गया, कौन मर गया, कौन मर गया? अभी जाके रमेश भैया को चुसाता हूँ आम। साला ये रमेशवा गया कहाँ? आओ बेटा आओ, तेरा ही इंतजार करते, साले आम नहीं बेचेगा मेरा बाजार में, साले तेरे को अभी चुसाएंगे आम। रुको, क्यों रे मोहन भैया, तुमको बताया कि नहीं हम तुमको आम बेचने बोले थे? तुम्हारा बाप का नौकर है जो बाजार में जाकर आम बेचे। बेटा हमसे दादागिरी करके अच्छा नहीं कर रहा है बिल्कुल तुम। अब इसको तुम दादागिरी समझो चाहे दादीगिरी, लेकिन हम तेरा आम नहीं बेचने वाला, समझा ना? एक बात मत भूलो कि तुम हमसे 50 रुपया उधार लिया था। हाँ तो वापस भी लौटा दिए थे। वैसे भी तुम हमको उधार में 50 रुपया दिया था, ऊपर से 10 रुपया ज्यादा लिया था, 60 रुपया, तो हम काहेला तुम्हारे लिए काम करने जाएं? अरे वो मिठाई खाने के लिए लिए थे। अच्छा बुड़बक बनाना है तो अपना बाप को बनाओ, ठीक है ना? हमको नहीं, हम आयरन मैन है, कोई एरा गेरा नहीं है, समझा ना? लास्ट टाइम पूछ रहे हैं आम बेचेगा कि नहीं, लास्ट बार बोल रहे हैं नहीं बेचेंगे। बेटा को लगता है धोना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, 20 किलो आम बेचने में जा क्या रहा है तुम्हारा? एक बात बताओ तुम हमको, अगर तुमको आम इतना ही बेचने का मन है तो तुम क्यों नहीं जा रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड का घर है बाजार के सामने, इसलिए नहीं जाते हैं, बस यही कारण है। ओके कोई बात नहीं, अब हम आम बेचने का बहाना जाएंगे और तुम्हारा गर्लफ्रेंड को पटा लेंगे। ओ बेटा मुंह संभाल के बोल, समझाना साले, मेरी गर्लफ्रेंड है वो। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू उसको पटाएगा? तुमको पता है ना जो मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने के बारे में बोलता है मैं उसको सीधा बाहर फेंक देता हूँ। मचा ले रे बाबा, बम बम भोले, Thank you.